बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है और इंशाल्लाह इस लास्ट लेक्चर के अंदर आज हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस देखेंगे। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो डायमेंशन एनालिसिस का सबसे पहला एडवांटेज कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज को जनरेट या क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा बेटा, फार्मूला क्रिएट करने का तरीकेकार क्या है? कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, राइट फार्मूला ऑफ क्वांटिटी, कि जिस भी क्वांटिटी का आपने डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, आप उसका बेसिक फार्मूला यानी कि जो भी फार्मूला फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो लिखें। अगर फोर्स है तो एफ इजिकल्स टू एम ए उसका फार्मूला है। अगर मेरा बेटा वेलोसिटी है तो उसका फार्मूला एस बाय टी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। इसी तरह जो भी क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करनी है, जिसका फार्मूला आपने ड्राइव करना है, उसका फार्मूला लिखें। नंबर 2, उसको बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करें। आपको पता है कि टोटल 7 बेस क्वांटिटी हैं, तो आपने उन फार्मूलाज को बेस क्वांटिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 3, जब आप उनको बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर लें तो उनके डायमेंशनल सिंबल्स लिखें, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे। लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, मास के लिए एम, इसी तरह सो ऑन, और लास्ट में आप उसका फाइनल रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो F इज इक्वल्स टू क्या है? एम ए। मेरा बेटा, मास तो आपकी बेस क्वांटिटी है पर एक्सेलरेशन आपकी बेस क्वांटिटी नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 में कहता है कि उसको बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करें। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट भी आपकी बेस क्वांटिटी है, यानी कि लेंथ भी आपकी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी आपकी बेस क्वांटिटी है। स्टेप नंबर 3 के उनके डायमेंशनल सिंबल्स पुट करें। मास के लिए कैपिटल एम है, लेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए एल है, टाइम के लिए कैपिटल टी है। तो मैंने डायमेंशनल सिंबल्स पुट कर दिए। लास्ट में क्या, फाइंड द रिजल्ट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। मेरा बेटा, टी डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एम एल टी -2 फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। सेम आप जिस क्वांटिटी का भी चाहे फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मेरा बेटा, इसका सेकेंड एडवांटेज क्या है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन की डायमेंशन अगर इक्वल आ जाए तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, अगर इक्वल ना आए तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती है। मैंने क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम, देन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या करेक्ट डायमेंशनली। क्लियर होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने पता करना है क्या एस इज इक्वल्स टू वी आई टी हमारी करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस। एस डिस्टेंस या लेंथ है, आपको पता है लेंथ की डायमेंशंस क्या होती हैं, एल। मैंने एस की जगह एल पुट कर दिया, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई एल। मेरा बेटा, अब मैं राइट हैंड साइड में मूव करता हूँ, तो वी आई टी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपको पता है कि वेलोसिटी की बेस यूनिट्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वाला टाइम इस वाला टाइम से कैंसिल, तो पीछे का बचा एस, और आपको पता है एस की डायमेंशन यानी कि लेंथ की डायमेंशन एल है। तो अगर ध्यान से देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इट मीन्स मेरी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब एक इनकरेक्ट इक्वेशन देखते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी स्क्वेयर। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। अब यहाँ पे स्क्वेयर आ रहा है, तो मैंने इसको प्रूव करना है कि मेरी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो लेंथ की जगह आप एल पुट करेंगे, टाइम की जगह आप टी पुट करेंगे। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एल टी की पावर -1, क्योंकि नीचे अगर 1 है तो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, वी आई प्लस ए टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो मेरे बेटा, वी आई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर। मेरे बेटा, ये टी स्क्वायर कैंसिल, तो देखें आपके पास एस की डायमेंशन एल है, टी की टी है, और इस वाले एस की भी एल है। मेरे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी -1 प्लस एल, यहाँ पे खाली एल टी -1 आ रहा है, यहाँ पे प्लस एल भी आ रहा है, इट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इट मीन्स मेरी ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो आपको पता चल गया ये इनकरेक्ट है और ये आपकी क्या है, करेक्ट इक्वेशन है। तो इट मीन्स डायमेंशंस को यूज करते हुए हम लोग अपनी इक्वेशंस की करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट एडवांटेज क्या है कि इसको यूज करते हुए हम लोग अपना फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन के कुछ स्टेप हैं। स्टेप नंबर वन क्या है, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। मींस के आपको जब क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में गिवन होगा तो आप उसको सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, अब जब आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको आप कोई वेरिएबल पावर असाइन कर देंगे खुद से, ए बी सी डी, मतलब कोई भी आप वेरिएबल पावर असाइन करेंगे।
स्टेप नंबर थ्री मेरा बेटा, आप वन बाय वन हर क्वांटिटी की डायमेंशन को पुट करेंगे। स्टेप नंबर फोर आप क्या करेंगे, उन पावर्स को यानी कि उन क्वांटिटीज की पावर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। और लास्ट स्टेप मेरा बेटा कि आप उन पावर्स को अपने इनिशियल मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर पुट कर देंगे। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। मेरा बेटा मैं न्यूमेरिकल नंबर 1.4 सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल यहाँ पे कवर हो जाए। मेरा बेटा न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि जो आपकी ड्रैग फोर्स है वो विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये सारी बातें उसने वर्बली की है, तो देखिए मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया कि ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। इट मींस वो रेडियस पे, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, वो रेडियस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। तो पॉइंट नंबर वन, मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विस्कोसिटी रेडियस इनटू वेलोसिटी। स्टेप नंबर टू, असाइन पावर्स टू डिपेंडेंट क्वांटिटी। मेरा बेटा मेरी ड्रैग फोर्स इस कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इट मींस वो विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। इट मींस मेरे डिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या हैं, विस्कोसिटी है, रेडियस और वेलोसिटी है। तो मैं इन तीनों को क्या करूँगा, एक वेरिएबल पावर असाइन करूँगा। विस्कोसिटी को जो मैं पावर देता हूँ वो ए है, रेडियस को जो पावर देता हूँ बी है, और वेलोसिटी को जो पावर देता हूँ वो सी है। मेरा बेटा स्टेप नंबर थ्री, इनकी डायमेंशंस को पुट करें। आपको पता है कि फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होती है, विस्कोसिटी की डायमेंशन आपको फॉर्मूला यानी कि क्वेश्चन में गिवन है वो एम एल माइनस वन टी माइनस वन है, रेडियस लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन एल होती है, वेलोसिटी लेंथ ओवर टाइम होता है तो इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन हो जाएगी। मेरा बेटा पावर्स वैसे ही रहेंगी। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। पावर अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो एम की पावर वन है तो वन मल्टीप्लाई बाय ए ए, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए, तो एम की पावर ए, एल की पावर माइनस ए, टी की पावर माइनस ए। लेंथ की पावर, लेंथ को अगर मैं, लेंथ की पावर वन है तो वन मल्टीप्लाई बाय बी, तो एल की पावर बी आ जाएगी। यहाँ पे लेंथ की पावर वन है तो वन मल्टीप्लाई बाय सी, तो एल की पावर सी, वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय सी, तो टी की पावर माइनस सी। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। मेरा बेटा अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो आप जो सेम क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। देखें पूरी इक्वेशन के अंदर आपकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे सिर्फ मैथ्स की पावर ए है, तो मैंने मैथ्स की पावर ए लिख ली। अगर मैं लेंथ की डायमेंशन देखूँ तो लेंथ की पावर्स आ रही है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने माइनस ए प्लस बी और प्लस सी को कंबाइन कर दिया, तो लेंथ की पावर क्या आ गई, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह अगर मैं टाइम यानी कि टी की डायमेंशंस की पावर देखूं तो माइनस ए माइनस सी, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस ए माइनस सी। मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे एम की पावर वन है, एल की पावर वन है, टी की पावर माइनस टू है, और राइट हैंड साइड पे एम की पावर अब ए है, एल की पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी की पावर माइनस इंटू माइनस सी है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो मैथ्स की पावर्स को कंपेयर करें, लेंथ की पावर्स को कंपेयर करें, और टाइम की पावर्स को कंपेयर करें। तो वन इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा, वन इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड इक्वेशन आ गई, और माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस सी थर्ड इक्वेशन आ गई। मेरा बेटा अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखूं मुझे तो ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। मेरा बेटा इस ए की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, मेरा बेटा माइनस ए की जगह वन आ जाएगा, तो माइनस वन माइनस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस सी। मेरा बेटा इसको रीअरेंज करूँ तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन। मेरा बेटा मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को उठाएं और अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करें। मेरा बेटा इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो ए की जगह वन, बी सी की जगह भी वन, तो मेरा बेटा ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल, तो बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब मेरा बेटा देखें ए की वैल्यू भी वन आ गई, सी की भी वन आ गई, बी की भी वन आ गई, तो लास्ट स्टेप क्या है, पुट द पावर्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो मेरा बेटा इन पावर्स को मैं अपनी इक्वेशन में वन में पुट करता हूँ, तो कांस्टेंट विस्कोसिटी की पावर वन, आर की पावर वन, वी की पावर वन, सॉल्व करता हूँ तो मेरा बेटा एफ डी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विस्कोसिटी आर इंटू वी। मेरा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ डी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विस्कोसिटी रेडियस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया। इसी तरह मेरा बेटा अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म यानी कोई भी आपको फॉर्मूला की मेरा बेटा वर्डिंग्स गिवन हो तो उनको यूज़ करते हुए आप अपने फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मेरा बेटा जहाँ डायमेंशन एनालिसिस के इतने फवायद हैं वहाँ डायमेंशन एनालिसिस के नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं, पहला नुकसान मेरा बेटा देखें फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, क्या मुझे कांस्टेंट का कुछ पता चल रहा है, नो, इट मींस इट गिव्स नो आइडिया अबाउट कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू का आइडिया मुझे डायमेंशन एनालिसिस नहीं देता। पॉइंट नंबर टू, क्या इसको देख के आपको अंदाजा हो रहा है, इस फॉर्मूले को देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि वेदर द क्वांटिटी इज वेक्टर और अ स्केलर, तो मींस नो आइडिया अबाउट वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर थ्री मेरा बेटा,
आपकी डायमेंशनल इक्वेशन यानी कि डायमेंशनल से बनाई हुई इक्वेशन हमेशा करेक्ट नहीं होती, वो समटाइम इनकरेक्ट भी हो जाती है। और लास्ट क्या है मेरा बेटा, इक्वेशन जिनके अंदर मेरा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे होते हैं मेरा बेटा, उन इक्वेशंस को आपका डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी डायमेंशन नहीं होती, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की भी डायमेंशन नहीं होती और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डायमेंशन नहीं होती। तो जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं है उनको डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व नहीं कर सकता। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा चैप्टर वन कंप्लीट होता है। किसी को अगर कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।